आज यहाँ पे एकत्रित हुई हैं किस लिए, अपनी कौन सी बात रखने के लिए आप आई हैं यहाँ पे नितिन जी से? बात नितिन जी से यही रखने के लिए हम आए थे। उनके पास बहुत ज़्यादा विशेष समय तो था नहीं, लेकिन हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष और उन्होंने अपनी बात उनसे रखी कि जो ये पिछले 1.5-2 साल से व्यापारियों के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वो उस हिसाब से नहीं हुई हैं जिससे उनका परिवार, हमको लगता है वो 50 साल पीछे चला गया। तो इस पर ज़रूर, क्योंकि सरकार में है और हम उन्हीं से अनुरोध कर सकते हैं, 5 महीने तो अभी वही रहने वाले हैं, कि ज़रूर उस पर संज्ञान लें और व्यापारियों की स्थिति को अच्छा और बेहतर बनाएं। आगे क्या उम्मीद है कि आगे बीजेपी की सरकार? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद ही लगा सकते हैं, अपनी बात ज़रूर रखे हैं और उम्मीद है कि अगर उन्होंने थोड़ा भी संज्ञान लेंगे तो हमारे व्यापारी भाई बहनों सबका विकास होगा और काशी का नाम और आगे चलेगा। धन्यवाद, अपना परिचय दीजिए। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल अध्यक्ष हूँ। आज किस जगह पे आप एकत्रित हुए हैं, किस कार्य के लिए? मैं नितिन अग्रवाल जी आए हुए थे, वो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, उनके स्वागत में हम लोग आज यहाँ अखिल भारत हिंदू महासभा उनका स्वागत किया, उसके दरमियान हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये किस जगह पे स्वागत समारोह हुआ? लक्षा मड़वाई युवक संघ के में ये सभा उपस्थित। आपकी पूरी टीम यहाँ पे उनका स्वागत करने आई है? जी हाँ, इसमें हमारे पूर्वांचल महिला अध्यक्ष हैं रजनी पात्रा जी, कोषा अध्यक्ष है सुनीता अग्रवाल जी, लक्ष्मी जी हैं, आपके मंजू गोस्वामी जी हैं, पूजा पांडे जी हैं। स्वागत के साथ साथ हम लोग अपनी बात भी उनसे रखने आए, थोड़ा मैडम से भी बात करें। स्वागत तो डेफिनेटली उनका दिल से है। कार्यक्रम के संयोजक श्री दीपक जायसवाल जी, जिलाध्यक्ष श्री अजय गौतम जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री संदीप तुलसियान जी, श्री मनीष सिसोदिया किनोदिया जी, श्री प्रमोद कुमार बजाज जी, श्री दीपक कुमार बजाज जी, राजेंद्र गोयलका जी, हमारे साथ आए प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री ब्रजेश जी, संचालन कर रहे पवन कुमार अग्रवाल जी, और मैं देख रहा हूँ सामने हमारे अभी हमारी माताएं बहने जो किसी न किसी संबंधित कर रही हैं, और सभी महानुभाव गण। मैं अभी दोस्त हूँ और सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे हम उम्र हैं, उन्होंने जो दिया है उसके लिए दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। संकल्प कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पे आज उन्होंने भारत के शीश को विश्व में उठाने का काम किया है। आज उस धरती पे आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, अपने समाज के बीच में हूँ, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बता रहा आज उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 14 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपाध्यक्ष के तौर पे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया कि मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपाध्यक्ष की हैसियत से अपना योगदान दे सकूं। 2007 में आखिरी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के श्री राजेश अग्रवाल जी थे जो बरेली से विधायक थे उस वक्त, और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, और आज 14 वर्ष बाद अपने ही समाज के एक बेटे को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया है, उसके लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। निर्वाचन प्रक्रिया में
कोई आप लोग का स्लोगन है?